नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। बिहार पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना का आज आखिरी दिन है और कल से तीसरे चरण के मतदान की शुरुआत हो जाएगी, जिसके लिए जितने भी जनप्रतिनिधि पंचायत चुनाव के लिए खड़े हुए हैं वे दम खम से लगे हुए हैं ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वोट आ सके, और साथ ही वे लोगों के पास जाके वोटों की अपील भी कर रहे हैं और उनके पास अपने द्वारा किए गए जितने भी काम हैं, चाहे वो पहले किए गए हों चाहे अब जो करेंगे इसके बाद अगर वो जीतते हैं उसके बाद किन किन चीज़ों पर वो काम करेंगे उसको लेकर वो जनता से हर दफ़ा रूबरू हो रहे हैं। इसी सिलसिले में गढ़ी विशनपुर पंचायत के मुखिया पद के प्रत्याशी सुमा देवी के पति लक्ष्मण साव से हमारे संवाददाता ने क्या कुछ बातचीत की, आप देखिए। टीवी भारत की टीम पंचायत चुनाव के मद्देनजर अभी लखीसराय पर सदर प्रखंड के गढ़ी विशनपुर पंचायत पहुंची है और एक चौपाल लगाया है। हमारे साथ गढ़ी विशनपुर पंचायत से मुखिया पद के प्रबल व सशक्त दावेदार लक्ष्मण साव जी हैं और उनसे जानना चाह रहे हैं। लक्ष्मण जी, आपका डीटीवी भारत में बहुत स्वागत है। आप हमारे सामने खड़े हैं और आपने पंचायत चुनाव लड़ने के लिए मुखिया पद हेतु आपने मन बना लिया है, आप चुनावी समर में पूरी तरह से कूद चुके हैं, आप कैसा अनुभूति महसूस कर रहे हैं? हमारा तो बहुत बढ़िया विचार मिल रहा है क्योंकि जनता हमारा साथ है, जनता सब चाह रहा है और जनता सब कह रहा है कि आप खड़ा होइए, हम सब सहमत देंगे और सहमत देने के बाद हम जनता सबको सेवा, तो जो भी हो वो हम अच्छी तरह से सेवा। लक्ष्मण जी, ये बताइए कि आप पंचायत चुनाव जीत जाएंगे, मुखिया के पद पर आसीन हो जाएंगे, तो कौन सा ऐसा कार्य करेंगे जिसे वर्तमान मुखिया नहीं कर सके? अगला 14 नंबर वार्ड जो है उसमें हम अपना स्कूल बनवा देंगे, पहला नंबर, और दूसरा नंबर जो भी है जो सब ने किया है वो सब हम करेंगे, क्योंकि हमारा सोच है मुसहरी हमारा है कुछ भी नहीं बना, हम गांव का विकास करेंगे, जनता हमारे साथ में। अच्छा, ये बताइए लक्ष्मण साव जी, आप मुखिया पद के प्रबल दावेदार हैं, मजबूत दावेदार हैं, आपके साथ यहाँ पर जनता भी है, तो आप अपने जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? हम जीत करीब करीब 800 वोट से जीत जाएंगे, हमारे साथ जनता इतना है, हमारा चाह भी रहा अच्छे वोट से जीत जाएंगे। क्या चुनाव जीतकर आप क्षेत्र का चहुमुखी विकास करेंगे? हाँ, छवि बदल देंगे गांव पर एकदम, जो विकास करेंगे सो हम किसान आदमी हैं, जो भी विकास करेंगे हम सच्चाई विकास करेंगे एकदम, देख लेंगे।